दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए भले ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन मंगलवार को खरगोन में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के साथ मिलकर जिले के किसानों की समस्या और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जंगी प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव, खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी सहित बढ़वा के विधायक सचिन बिरला और जिला कांग्रेस अध्यक्ष झूमा सोलंकी की मौजूदगी में जिले के सैकड़ों किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ कांग्रेस के मार्च में शामिल हुए। इसके पूर्व कोरीधाम में कांग्रेस की एक सभा भी हुई, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर साधव सहित जिले के कांग्रेस विधायकों ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। सभा के बाद केंद्र सरकार के तीनों कालो कानून के विरोध में पूर्व मंत्री डॉक्टर साधव के साथ जिले के कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्ग से गुजरे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की चुनौती की गई थी। जब किसानों की ट्रैक्टर रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर भीड़ रोकने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी बैरिकेड्स तोड़ते हुए किसानों के साथ कलेक्टर परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साधव सहित बिकनगांव की महिला कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी को भी रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों और खरगोन एसडीएम के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इस दौरान कलेक्टर अनुग्रह को राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधव ने पुलिस द्वारा झूमा झटकी किए जाने पर भी एतराज जताते हुए कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना था कि हम गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी है, न कि गोडसे की विचारधारा वाली है। विंध्या किरण के लिए खरगोन से नरेंद्र भटोरे की रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर आज रैली निकाली कांग्रेस का, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च किया, हजारों किसान के सामने ट्रैक्टर मार्च, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में आने से रोक दिया गया था। हजारों किसानों की संख्या को देखते हुए और सैकड़ों 500 से अधिक ट्रैक्टर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करा। कलेक्टर खरगोन के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं, और सरकार प्रदेश की हो कि देश की हो, काले कानून जो तीन लाए हैं उनको वापस कर लिया जाए तत्काल, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ किसान खड़ा है और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भविष्य में बड़े आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी, और खरगोन में कलेक्टर ऑफिस के साथ साथ हम राज्यपाल के निवास को 23 तारीख को घेरने जा रहे हैं भोपाल के अंदर। आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर काले कानून तत्काल वापस नहीं ले गए तो बड़ा घेराव की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं।